सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? बहुत दिन के बाद एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है। तो ये जो ब्राउन वाला है जो हम अपने रखने वाले थे, मतलब ये मेरी दीदी लेके जाएगी, तो इससे बीच बीच में मिलते ही रहेंगे। तो आज ये जाने वाला है ब्राउन वाला मेरी दीदी के घर। सो गाइज जी, बहुत कोई ही कमेंट कर रहे थे कि मतलब ब्लैक जर्मन सपर पपी अवेलेबल है, तो अवेलेबल नहीं है और हमारे नंबर पे प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। बहुत कोई व्हाट्सएप में भी बोले थे कि मतलब जर्मन सफर है या नहीं, तो मैं बोल देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि अभी एक भी जर्मन सपर अवेलेबल नहीं बचा है। अब नेक्स्ट टाइम ही देखा जाएगा। और लिली सिर्फ हमारे यहाँ रहेगी और बाकी सब तो चला गया, ये ब्राउन वाला भी चला जाएगा। तो बीच बीच में जब भी इसको देखने के लिए जाएंगे तो इसका ब्लॉग बनाते ही रहेंगे बीच बीच में, और लिली का भी बीच बीच में ब्लॉग बना के ही डालेंगे। तो गाइस ये जाएगा तो इसके लिए एक कटोरा ले दिए हैं, और ये चावल भी खाना शुरू कर दिया है। लिली का चावल खा रहा है। तो गाइस जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और जिनको पप्पीज लेना है, जेट ब्लैक जर्मन शेफर्ड प्योर जर्मन शेफर्ड है, तो वो अब उनको ज़्यादा नहीं, 6 मंथ वेट करना होगा। मतलब दिसंबर तक में लिली बच्चा दे ही देगी, दिसंबर तक में। और ये लिली का एक न्यू बॉडी बेल्ट ला दिए हैं, क्योंकि गर्दन वाला से खिंचाती है तो उससे कुछ मतलब ज़्यादा गर्दन दब जाता है, उसके कारण से बॉडी बेल्ट लाए। इसमें इसको कंफर्टेबल भी रहेगा, और यही इसका न्यू कटोरी है बच्चे का। तो आज ही चला जाएगा, शाम नहीं, थोड़ा देर के बाद ये चला जाएगा। तो बहुत ख़राब लगेगा यार, एक कोई बच्चा नहीं बचेगा। दूध तो निकलता नहीं, पता नहीं क्या पीता है यार इसमें ये। सोनू आते नीचे लेके जाए, चल रहे तेरा जाने का। अब सैम जाने वाला है, तो सैम को बाय बाय करते हैं। सो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।